हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, शुरू करते हैं हमारा आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं ले लेती हूँ एक कमेंट। और आज के व्लॉग में मैं करने वाली हूँ मेरे जाने की तैयारियाँ, मेरे मायके जाने की तैयारियां। मैं और मम्मी हबी जी हम तीनों जा रहे हैं, बच्चे नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम। इसलिए तो गाइज ले लेती हूँ अपना एक कमेंट, जो कि बहुत अच्छे कमेंट करती हैं मुझे। नाम है उनका शहनाज भाभी। बहुत अच्छी हैं आप भाभी, आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ आपके कमेंट पढ़कर। तो इसी तरह से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देती रहें और इसी तरह से मेरे वीडियो को पूरा वॉच करती रहें, यही कहूँगी। और कब आ रही हैं आप घर पर? आप घर पर आइए, मैं आपका तहे दिल से आपका वेलकम करती हूँ। आप घर पर आइए, कब आ रही हैं आप अपने कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप कब आ रही हैं घर पर। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। तो गाइज़, यहाँ पर जाने से पहले मैं अपने बच्चों का खाना रख कर जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों के खाने में यहाँ पर ये दाना इसको मिक्स करके रख रही हूँ ताकि उनको दिक्कत नहीं आएगी। और अभी मैं सिलने आ गई हूँ फरजाना का सूट। दाना हमारा मिक्स हो गया है। तो फरजाना ने, जब मैं पिछली बार गई थी तो उसने सूट दे दिया था कि बाजी ये सिलकर ले आना, अपने जैसा ट्राउज़र बनाना, आपने बहुत प्यारा बनाया है। उसका कॉल आ रहा था बार बार, तो कह रही थी बाजी आपके ट्राउज़र मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बाजी अपने जैसे बना देना, प्लीज़ बना देना, इस तरीके से बहुत ज़िदें कर रही थी। तो यहाँ पर अभी जाने से पहले मैंने उसका सूट भी सिल लिया है, पहले ही कट कर लिया था। और देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत मैंने उसका ट्राउज़र बनाया है, जो कि लेस जो लगाई है ना वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और ये फरजाना का सूट भी वही है जो मेरी मुमानी ने फरजाना को गिफ्ट किया था, तो वही सूट है। और अभी यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं मम्मी की तैयारियों के लिए। गाइस, बाजी और मम्मी के मायके जाने की तैयारियाँ। कितना सारे चूड़ियों का देखो। बाजी कुछ बोलना चाहेंगी मायके जाने की खुशी में? यहाँ पर मम्मी की चूड़ियों का पिटारा मैंने खोल लिया है और ये वाले सूट की मैचिंग की चूड़ियाँ मैं देख रही हूँ, तो मुझे ये वाला कलर अभी तक मम्मी की चूड़ियों में नहीं मिला है और मुझे लग रहा है शायद मुझे न्यू लाना पड़ेगी मम्मी के लिए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटन कोफ्ता मेरी स्टाइल में, और इसकी रेसिपी नहीं दी है तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ। आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर मेरे मटन कोफ्ता फ्राई हो रहा है और वहाँ पर मेरे हांडी में मसाला जो है वो भुन रहा है बढ़िया से। तो बस इसे मैं धीमी धीमी आंच पर फ्राई कर रही हूँ। बहुत यम्मी टेस्टी लगते हैं, एक बार ट्राई करिएगा ज़रूर। अभी मैं आई हूँ पार्सल लेने, हमारा पार्सल आ गया है तो वही मैं लेने आई हूँ। हाँ, पार्सल तो भी ले लिया है, पेमेंट कर रहे हैं। तो पार्सल तो हमने ले लिया है, अभी इसे ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, हमने मंगाया है मॉस्किटो रैकेट और इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं और जो नन्ना मेहमान हमारे यहाँ आया है ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मच्छरों की वजह से, उसे बहुत ज्यादा काटते हैं, तो इसलिए ये हबी जी ने ऑर्डर कर दिया था। तो आ गया है फिलहाल। कलर बहुत प्यारा है, क्वालिटी भी अच्छी है, कलर भी अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखिए हमारे यहाँ कटन के पीछे मच्छर रहते हैं तो वही बच्चे निकाल कर मार रहे हैं। इसको पीछे भी करेगा तो मर जाएगा। ये देखिए आवाजें आने लग गई। तो खूब एंजॉय कर लिया, बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया। अभी बारी आती है इमरान भाई को भगाने की, तो इमरान भाई जा रहे हैं हमारे। अरे बीवी जी आपकी सलाम कर रही है जनाब, वरना फिर से करो, उन्हें सुना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। और हमें सलाम कौन करेगा, बीवी को तो हो गया। वालेकुम अस्सलाम, हमारा सफर अच्छे से कटे। तो अभी हमारे इमरान भाई तो वापस जा रहे हैं, बढ़िया ईद बनी हमारी, बढ़िया बर्थडे मना हमारी छोटी दुल्हन का।
तो हमारी तो चल रही है पैकिंग। बहुत टाइम पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हमारी बड़ी जोरों शोरों से सास बहू की चल रही है पैकिंग। तो गाइज यहाँ पर मैं ये वाला सूट पहनने वाली हूँ अपनी बहन की शादी में, मेरी कजन सिस्टर की शादी में मैं ये वाला सूट पहनने वाली हूँ, क्योंकि अपनी मम्मी सभी लोग कह रहे हैं कि अभी जो ग्रे वाला सूट ईद पे पहना था उसमें बहुत प्यारी लग रही थी, वही सूट पहनना, तो मैंने वही वाला पहन लिया है। और फिर अभी ये न्यू भी है इसलिए भी मैंने निकाला है, न्यू कपड़े पहनते हैं तो फीलिंग अच्छी आती है, एक बार ही तो पहना है मैंने, सेकंड बार अब पहनूंगी। तो फिलहाल अभी मैं इस पे प्रेस कर रही हूँ, हो गई है, और ये सारा सामान रखा है जो मुझे ले जाना है अभी, सारा तो नहीं है, कुछ सामान मैंने निकाल कर रख लिया है। और ये सूट है जो मुझे वहां पर मेरे चाचा चाची के यहाँ गिफ्ट देने हैं, बताऊंगी अभी कौन सा किसके लिए है, पहले मैं प्रेस कर लूं। तो ये वाला सूट तो मैं वहां पर प्रोग्राम में पहनने वाली हूँ ये शादी वाले दिन, और ये वाला मैं यहाँ से पहन के जा रही हूँ, और सेम डे में हम लोग वापस आएंगे इसलिए मैं यहाँ ये वाला यहाँ से पहन कर जाऊंगी और ये वहां जाकर पहनूंगी। और ये वाला मैंने ऑप्शन में रखा है, अगर बाई चांस रुके हैं तो नाइट में पहनने के काम आ जाएगा इसलिए। तो फिलहाल अभी मेरे ये तो मेरी पैकिंग के लिए निकले हैं ये, और हबी जी के कपड़े अभी नहीं निकाले हैं क्योंकि हबी जी ने अभी मुझे बताया नहीं है कि वो क्या पहनने वाले हैं, तो वही हैं। और फिलहाल ये वाले सूटों को मुझे करना है पैक, जो गिफ्ट दे रही हूँ मैं वो मुझे पैक करने हैं, पैक तो है बस इसमें थोड़ा सा अटैप वगैरह मैं लगा लूंगी। तो ये जो पठानी का मैंने कपड़ा लिया है ये मेरे चाचा के लिए लिया है, मम्मी बहन है मेरी चाची की तो वो बड़ी है इसलिए यहाँ पर हमारे यहाँ बाहर तो दिया जाता है, बहन बहनों को कपड़े दिए जाते हैं, तो मम्मी ने ये मेरे चाचा के लिए मंगवाया है। तो ये पठानी का कपड़ा मेरे चाचा का है सूट, और ये मैंने मेरी चाची के लिए लिया है जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, और मैंने अपने चाचा का सूट पहले चाची का लिया फिर चाचा का लिया है तो दोनों को मैचिंग मैचिंग कर दिया है, और मैं बोलूंगी उनसे कि दोनों के जब सिल जाए रेडी हो जाए तो दोनों पहनने के बाद मुझे फोटो क्लिक करके भेजना, तब मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल मैंने ये लिया है, बहुत प्यारा सूट लग रहा है ये मेरी चाची का जो मैंने लिया है, और ये लिया है मैंने अपनी बहन के लिए, छोटी बहन के लिए, सोनम के लिए, और सोनम की शादी है गाइस मैं बताना भूल गई आप लोगों को, सोनम की शादी में मैं जा रही हूँ शिवपुरी, तो ये गरारा ये मैंने उसके लिए लिया है, दिखाती हूँ इसका भी लुक कैसा है ये। तो ये देखिए ये तो इसकी कुर्ती है गरारे की, और ये दुपट्टा है जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, दुपट्टे पे वर्क है, ये शिफॉन दुपट्टा है और शिफॉनी कुर्ती और पजामी है, और ये प्लाजो सॉरी गरारा है इसका, ये देखिए गरारे भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है, हमारी सोनम पहनकर बहुत प्यारी लगेगी, वैसे भी वो बहुत प्यारी लगती है, नाजुक सी पतली सी है तो इस पे बहुत ज्यादा खिलेगा ये कलर, तो मैंने ये कलर लिया है उसके लिए। तभी मैं इसे पैक कर लेती हूँ फटाफट से सामानों को। तो ये देखिए सारे सूट मैंने पैक कर लिए, तो ये तो है बहन का सूट सोनम का, सोनम के लिए लेकर आई हूँ मैं, और ये लेकर आई हूँ मैं अपनी चाची के लिए, आज मैं मरने वाले भैया के यहाँ गई थी ना उस मार्केट ड्रेस लेने, तब मैंने ये वाले सूट भी खरीदे थे, देखना आप लोग देखा होगा आप लोगों ने, तो यहाँ पर मैंने पैक कर लिए हैं। और गाइज हमारे यहाँ दो कपड़े नहीं देते हैं इसलिए चाचा के सूट के साथ में ये टॉवल लगा दिया है, और ये है चाची का सूट, बहुत प्यारे लग रहे हैं, और मुझे ना बेसब्री से इंतजार रहेगा कि वो जल्दी से सिलवा कर इसको वेयर करें और मैं देखूँ कि कैसी लग रही है वो, तो बनवा लिए हैं। और जल्दबाजी इतनी थी कि मुझे इन सूटों के साथ की चूड़ियाँ लाना थी लेकिन वो मैं लाना भूल गई हूँ, खैर कोई बात नहीं हो जाता है, छोटी मोटी मिस्टेकें हो जाती हैं, और काम भी मेरे पास बहुत सारे थे क्योंकि शॉपिंग मैंने बहुत की है इसलिए मैं नहीं कर पाई हूँ, खैर कोई बात नहीं। तो कैसा लग रहा है, रेडी हो चुके हैं गाइस, बस निकल रहे हैं, सब लोग रेडी हैं, मायके चले सासू माँ घर में, बाकी सब घर पर हैं।
ये हम सास बहू चले मायके, सास बहू के मायका एक ही होने से ये फ़ायदा होता है कि बहू को भी जाने को मिल जाता है और सासू माँ तो जा ही रही हैं तो साथ ही में बहू को भी जाने को मिल जाता है अगर मायका सास और बहू का एक ही जगह पर हो। वैसे भी मम्मी मेरी बुआ लगती हैं, मेरे पापा और मम्मी, मम्मी मेरी जो है ना वो बुआ की लड़की हैं और पापा मेरे मामू के लड़के हैं, तो इस तरह से मम्मी और पापा भाई बहन हैं मेरे पापा और मम्मी मेरी सासू माँ। तो बस अभी हम निकल आए हैं आपसे बात करते करते, तो चलिए चलते हैं फिर से मेरे मायके बहन की शादी में सोनम की। अभी हम लोग आ चुके हैं मोहना, हमारा आधा सफर तय हो चुका है और अभी हम यहाँ रुके हैं गुजिया खाने के लिए। बिरयानी हम लोगों ने ग्वालियर से खा ली है, अभी यहाँ से गुजिया खाएंगे और मीठा तो मेरा फेवरेट है। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो आ चुके हैं हम लोग मेरे चाचा के यहाँ पर, तो अभी जो हम लोग गिफ्ट लेकर आए हैं वो देने की बारी आती है। तो यहाँ पर चाची बैठी हैं, मम्मी की दोनों बहनें और मम्मी, और ये देखिए मेरे चाचा आ चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं कुर्ते पजामे में, अल्लाह ताला ने नजरे वद से बचाए, मेरी नज़र ना लग जाए मेरे चाचा को। और देखिए यहाँ पर मेरी फूफी जान भी खड़ी हुई हैं, और ये सामने जो आपको दिख रही है वो मेरी बहन की बेटी है, मेरी बड़ी बहन की, मेरे चाचा की बड़ी बेटी है, उसकी बेटी है। क्या नाम है इसका, नाम भूल गई मैं। बहुत ही बड़ी वाली भुलक्कड़ हूँ, अपनी बहन की बेटी का नाम ही भूल गई मैं। तो इसका नाम है, गाइज अभी मुझे याद आ गया है, इसका नाम है सुजान। माशाल्लाह बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत ही अच्छी है पढ़ाई में। और सामने खड़ा है मेरा भतीजा, मेरे भाई का बेटा, चाचा के बड़े, चाचा के बेटे का बेटा है, तो गाइज भतीजा है। और बस अभी यहाँ पर मम्मी सबको कपड़े दे रही हैं और मैं चाचा से यही कह रही थी कि चाचा आप सिलवा लेना, और सिलवाने के बाद दोनों अपने फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजना। और देखिए मेरी बहन सोनम आ चुकी है, शादी है गाइज, उदास उदास चेहरा है क्योंकि विदाई का वक्त आ गया है ना करीब, इसलिए। तो अभी उसने पहन रखा है गरारा और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। और सामने बैठी हैं यास्मीन, मेरी बहन जो पास में रहती है, यही मुरैना में ही वो है। और अभी सभी लोग बैठे हैं, सभी मेहमान, और यहाँ पर मेरी एक और बहन खड़ी है मेरे पास में, और सामने उसका बेटा खड़ा है। तो बस अभी सभी लोग बैठे हैं, और देखिए मेरी चाची जो है ना वो रोने लग गई हैं क्योंकि विदाई का वक्त है, बेटी की विदाई का भाई कंट्रोल नहीं होता है माँ से। मेहमान तो सारे आ चुके हैं, बस बारात आने का इंतज़ार है। तो गाइस सोनम की विदाई तो हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ फरजाना के घर पर थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, और मम्मी रुक गई है मेरी चाची के घर पर ही, वो अपनी बहन के घर रुक गई है और मैं अपनी बहन के घर आ गई हूँ। तो बहुत बुरी हालत हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। शादी तो अच्छी तरह से हो गई है, अल्लाह का शुक्र है कि शादी तो बहुत अच्छी तरह से हो गई है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद हुई है गमी, मम्मी की चाची का इंतकाल हो गया है तो हम वहाँ भी जाएंगे। तो अभी तो हम रुके हैं, अभी नहीं निकल रहे हैं यहाँ से, मिट्टी लगने के बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से, वहाँ भी शामिल होंगे और उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो शादी तो हो गई है, और गाइज कुछ प्रॉब्लम है तो मैं डिटेल में शादी की जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं घर से यहाँ तक आई हूँ और फरजाना के घर आई हूँ ये सारा कुछ तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ, लेकिन डिटेल में मैं आपको वीडियो नहीं दे पाऊंगी, उसके लिए सॉरी। तो फिलहाल अभी गमी में जाएंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे, तो बने रहें कंटिन्यू।
और चेंज मैंने कर लिया है और जो भी कुछ मैंने पहना था वो सारा कुछ उतार दिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, मेरी हालत खराब हो गई और मुझे ऐसा लग रहा था वहां पर गर्मी से मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ रिलैक्स होने के लिए फरजाना की यहाँ पर आ गई हूँ। और ये है फरजाना की बेटी जो देख रही है कैमरे में, अल्फिया की यहाँ पर आते ही फरजाना शुरू हो गई है काम करने के लिए। तो यहाँ पर ये बना रही है दाल चावल क्योंकि हबी जी को खाना था, हबी जी ने बोल दिया है कि बेटा फटाफट से तू दाल चावल बना ले, मुझे दाल चावल खाने हैं क्योंकि वो ऑयली ऑयली खाना खाकर ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उनको। तो देखिए यहाँ पर उसने चावल जो है वो बनने के लिए रख दिए हैं और दाल भी रख दी है, तो दाल और चावल दोनों बन रहे हैं। उसने चेंज भी नहीं किया है, मैं तो चेंज करके रिलैक्स हो गई हूँ और उसने चेंज भी नहीं किया और काम में लग गई और उसकी तबीयत खराब है फिर भी लगी है। और ये फरजाना को लग रही है ड्रिप, तो उसकी ड्रिप भी यहाँ पर लटकी हुई है, बीमार है वो, तो अभी उसे ड्रिप भी लगेगी और खाना भी बना रही है और शादी भी अटेंड कर ली उसने। ये देखिए यहाँ पर इनकी बातें चल रही हैं, ये हमारी फरजाना की प्रिंसेस है और हमारी भी प्रिंसेस है। और देखिए यहाँ पर फोन चलाया जा रहा है, ये लगी है फोन चलाने में, कभी मेरा वीडियो निकाल रही है कभी मेरे फोटो निकाल रही है।